viewers, welcome to ANI Roving Report. Today we have award-winning filmmaker from Arunachal Pradesh, Mr. Kenzang Di Thangdok. Welcome, sir. आपका जो ये फिल्म है ची लिपो, उसके बारे में आप would you like to brief us about it? And ये ची लिपो जो word है, उसका मतलब क्या है? ये ची लुपु का मतलब ये है, ये सेटुपेन लैंग्वेज में, सेटुपेन एक कम्युनिटी है जो अरुणाचल के वेस्ट कमिंग जिले में रहते हैं, उस कम्युनिटी में उसके मुताबिक ची माने हनी, इसका मतलब हनी है, और लुपु जो है जो हंटर्स को कहते हैं, तो ची लुपु है हनी हंटर। तो इसलिए हमने ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को इसका नाम जो ची लुपु इसीलिए रखा, हनी हंटर बोल के। ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ये जो हनी हार्वेस्टिंग जो था, हंटिंग, काफी सदियों से मैंने पूर्वज के समय से ये चला आ रहा है, लेकिन क्या है कि आज के मॉडर्नाइजेशन के देखते हुए ये हनी हंटिंग है लाइक रेयरली लाइक 4 or 5 हनी हंटर्स ही बच गए हैं, उसमें से 3 एटमोस्ट 3 ही लोग एक्टिव है, बाकी तो अपने 60+ 70 के एज पे या 80 के एज पे पहुंच गए हैं। तो आई थिंक विद इन 3-4 साल के अंदर में तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे ये प्रैक्टिस। तो इसलिए हम लोग ये विचार किया कि इसको डॉक्यूमेंटेशन करना एक नीड ऑफ एन आवर है, और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए एक मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन रखने से क्या है कि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपको ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? वी हैव वॉच्ड योर डॉक्यूमेंट्री, इट इज रियली ब्यूटीफुल सर। Being an Arunachali, I'm equally proud that you know somebody at least is doing a you know preserving our community at least through filmmaking. So what inspired you? My inspiration would be my father and my elder brother. He's a doctor by profession. Since my childhood days, I have been seeing them making. They were interested in photography, poetry, and all. My father is interested in poetry, and he's a renowned lyricist. तो जैसे कि आपने mention किया कि you are an independent filmmaker, so yes, and I know it is really challenging Arunachal में ऐसा documentary film shoot करने के लिए. That two places are in a very remote area especially. So what were your challenges when you were making this document बनाते थे? मैं आपको challenges क्या-क्या challenges face करना पड़ा? I think pre-productions shooting we have completed within 4 days. Post-production against extra days were there, but during shootings the most challenging thing was the tough terrain, and it was during I think due to heavy rainfall. तो काफी सारा रात में भी और दिन में भी बहुत इतना बारिश हुआ है, उसकी वजह से हमको शूटिंग करने में काफी प्रॉब्लम हुआ, कभी फुटेज लेने में और आपका अलग अलग एंगल से आपको शॉट एस्टेब्लिश करने में, फ्रेमिंग में, ये सब में क्या काफी, और हमारा असिस्टेंट था एक जो कैमरा एक ही था, थोड़ा फिट था जो पहाड़ चढ़ने लायक, बाकी लोग तो हमारा क्रू मेंबर्स भी ज्यादा नहीं था, हम लोग मैं और मेरा असिस्टेंट मिला के लगभग 4 ही था। तो जैसे कि यू आर फ्रॉम अ सेटुपेन कम्युनिटी, यस, कैन यू एलाबोरेट अस एंड टेल अस मोर अबाउट योर सेटुपेन कम्युनिटी? Satupin tribe, it's very minority you can say, the most it is inhabited in I think 14 villages. It's a conglomeration of 14 villages. The most it's 4,500, 5,000, 6,000 ke population ke beech mein hai, aur zyadatar I think Satupins they follow Buddhism, Mahayana Buddhist ko follow karte hain. To yahan हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी रेडी है हमारा, आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन ये सब हमारा पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा और उसको रिलीज भी करेंगे। खिक्सावा फेस्टिवल है जो बोन रिलीजन, बिफोर बुद्धिज्म से पहले का रिलीजन था हमारा सेटुपेन कम्युनिटी, पहले बोन बिलीफ था, बोन बिलीवर, बाद में आप बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुआ है, तो बोन अभी तक भी वो फेस्टिवल को अभी भी हम लोग मना रहे हैं जो बिफोर बुद्धिज्म का बोन, तो उसमें वो बोन खिक्सावा कहते हैं, जहाँ में आपका डाइटी, आपका हिमालयन, आपका पहाड़ों को, रिवर को,
फॉरेस्ट को, तो ये सब डाइटी को हम लोग वर्शिप करते हैं। तो बुद्धिस्ट में क्या है कि लोसर और छोकर बोल के, एक तो छोकर छेकोर, ये दो फेस्टिवल को मनाते हैं ये कम्युनिटी। सो जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्री में आपने बताया कि योर बी हंटिंग ये एक्सटिंग होने वाला है, एंड वेयर डू यू थिंक द यूथ्स ऑफ योर कम्युनिटी आर स्टैंडिंग एट? आर दे डूइंग इनफ टू प्रिजर्व द कल्चर, और इफ नॉट सो हाउ, मतलब यूथ लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकेगा ये जो आपका जो बी हंटिंग एंड योर सर्टिफिक कम्युनिटी का? हाँ, तो ये जब मैंने ये हनी हंटिंग बनाया और विलेज में भी काफी, हमारे गांव गांव में भी एक दो लोगों को दिखाया, तो ये इट वाज क्वाइट शॉक फॉर मी दैट कि हमारे यहाँ के लोग, माने ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, उन लोगों को पता नहीं था कि ये प्रैक्टिस हमारा है। उनको तो मैंने पता भी नहीं था। जब मेरा डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में, हमारे यंग जनरेशन जो बाहर में पढ़ाई करने जाते हैं आपका आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन लोग भी शॉक में था कि अरे हमारे पास भी ये प्रैक्टिस है, विच इज वेरी मच सिमिलर टू गुरुंग, और आई थिंक गुरुंग ट्राइब्स ऑफ नेपाल, उन लोग का भी इस टाइप से हमने कहीं देखा है। देन उसके बाद ही हमको पता चला कि उन लोगों का भी प्रैक्टिस है बोल के, तो मैंने भी उन लोग का काफी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हनी हंटिंग का दिखाया है, तो उन लोग से मिलता है बोल के उन लोगों को भी पता चला उसके बाद ही कि हनी हंटिंग ऐसे प्रैक्टिस है, उसको इस तरह से हमारा पूजा करते हैं, फिर उसको लोकली अपना इंडिजिनियसली रोप प्रिपेयर करते हैं जब वाइल्ड वाइन से, फिर जंगल में सब कुछ प्रिपरेशन होता है ये सब। तो उन लोग भी काफी, माने इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर देम, और उन लोग काफी थैंकफुल था यंग जनरेशन मेरे ऊपर, एंड वो काफी एंकरेजमेंट दिया। एंड फिर गांव के लोग भी आजकल जो अभी मॉडर्न कमर्शियल बिजनेस जो मनीटरी वो है, जो अपना गुजारा करना है उसमें डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री एक दो लोग ने देखने के बाद में उन लोग ने एक प्रोग्राम बनाया कि नेक्स्ट ईयर और बनाएंगे बोल के। जैसे कि ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का नेबरिंग स्टेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मणिपुर, दे आर वेरी आई वुड से कि वो लोग बहुत आगे चला गया फिल्म मेकिंग का इंडस्ट्री में. यस सो वेयर डू यू यस थिंक दैट आवर अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री स्टैंड्स? राइट नाउ अभी क्या बोलेगा, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और इन द फील्ड ऑफ ये आर्ट फिल्म मेकिंग में अभी फिलहाल यू कैन से अरुणाचल इज अभी छोटा, माने स्टिल ग्रोइंग से। अभी अगर अलग आपका सेवन सिस्टर से कंपेयर करेंगे तो अरुणाचल अभी तक भी उस मुकाम पे नहीं है जहां उनको पहुंचना चाहिए। एक कारण तो मैं ये बताऊंगा कि बाकी स्टेट लोगों का क्या है कि आपका स्टेट में क्या है कि लैंग्वेज जो भी हो गया है, चाहे रिटेन में नहीं होने से भी या कुछ भी लैंग्वेज हो, एक कॉमन लैंग्वेज एक प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, जो आपका मणिपुरी हो गया लैंग्वेज, या वहाँ में जितना भी मेजर ट्राइब्स हो गया, कि एक दूसरा का लैंग्वेज उतना वो नहीं है, ट्राइब ज़्यादा नहीं होने के कारण से आपका कुछ भी, आपका इंडिपेंडेंटली आपका वीडियो एल्बम बना हो या शॉर्ट फिल्म या फीचर लेंथ या डॉक्यूमेंट्री, आपका कम्युनिटी भी अंदर में ही क्या होता है कि उसका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट निकल जाता है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन से और उसका उसका जो लैंग्वेज जो है इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। हमारा अरुणाचल में क्या कि मॉडर्न 26 ट्राइब जैसे है, सब ट्राइब्स है, तो क्या होगा कि कॉमन लैंग्वेज एक नहीं है कि जिसको पकड़ के लोग, माने ऑडियंस को पकड़ सके। तो आई थिंक एट राइट मोमेंट अभी अभी का हालत देखा जाएगा तो अरुणाचल स्टिल माने ग्रोइंग स्टेज में है, नॉट येट अकम्प्लिश्ड, लेकिन आई थिंक आने वाला जनरेशन में अभी क्या है कि अभी अरुणाचल में गवर्नमेंट के थ्रू से एंड अदर सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू से फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में भी शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट वगैरह, तो आई थिंक फॉर द कमिंग जनरेशन आई थिंक कॉम्पिटिटिव लाइन में अरुणाचल जरूर आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली आप रिसीव, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बट ड्यू टू द करंट सिनेरियो आप खुद पर्सनली इन पर्सन जाके रिसीव नहीं कर पाया, बट व्हाट वेयर योर रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो कि आपको अवार्ड मिला है? ड्यू टू दिस कोरोना पैंडमिक एंड लॉकडाउन, दिस इवेंट कुड नॉट बी हेल्ड, सो रिजल्ट एंड एवरीथिंग वाज डिक्लेयर्ड बाय ऑनलाइन। सबसे पहले जब हमको मेल मिला तो वही ऑफिशियली उसका सिलेक्शन जब हुआ, उसी से काफी खुशी मिला, फैमिली में भी काफी विश किया, और वही मेरे लिए काफी था एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया। तो विनिंग तो एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि
फिल्म फेस्टिवल ये सब कॉम्पिटिटिव लाइन में फर्स्ट टाइम मेरा सबमिशन है, जबकि पहले भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्री या आपका शॉर्ट फिल्म ये सब में तो काम किया है, बनाया भी है, लेकिन हमने ऐसे कॉम्पिटिटिव लाइन में सबमिट नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट था, लकी दैट उसको अवार्ड भी मिला है, तो एक्सपेक्ट नहीं किया। देन ऑनलाइन में वो हो रहा था, तो काफ़ी सबका अपना अपना मैंने सबका सेगमेंट और आपका कैटेगरी के मुताबिक रिजल्ट अनाउंस होते गया, तो एरिजल हमको पता नहीं था कि ये तो डॉक्यूमेंट्री जब हुआ तो फीचर लेंथ का अनाउंस कर दिया, तो वहाँ नाम नहीं आया। देन हमने मोबाइल को भी उतना ये ऑनलाइन छोड़ दिया, चलो काफ़ी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया बोल के। फिर उसके बाद तो फैमिली वालों को बोल दिया कि शायद नहीं मिला। देन रात का लगभग 11:30 है, उसमें मेल हम मोबाइल में मैसेज आया कि मेल आया, वहाँ देखकर तो हमको विश आ रहा है वहाँ तो, आपका फिल्म सेटिंग के थ्रू से कि आपको अवार्ड मिला है, हम बिलीव नहीं हुआ। फिर वो वीडियो को फिर जाके फिर देखा, जो लाइव सेशन खत्म होने के बाद में उसका जो ऑफलाइन वीडियोस लोग आए उसको देखना शुरू हो गया, तो सेकेंड में जो उसमें अनाउंस हुआ कि आपको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में आप बेस्ट फिल्म मिला है बोल के। Are you coming up with any new project? कुछ नया डॉक्यूमेंट्री? एम वर्किंग ऑन किताबा, पहले भी बताया था हाँ हाँ किताबा हमारा ये फेस्टिवल है, उसके शूटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो पोस्ट प्रोडक्शन पीरियड में है, तो अभी से भी उसको थोड़ा नरेशन करना है, वॉइस ओवर देना है, तो ये लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा हूँ, तो यही साल में हमको रिलीज भी करेंगे। एंड और पाचिंको बोल के है हमारा, ये पर्सनली लॉस के ऊपर में एक मूवी बनाया है, फीचर लेंथ मूवी, तो स्क्रिप्ट जो है मेरा फादर का स्क्रिप्ट है, हम लोग उसको शुरू कर देंगे। Thank you, sir. Thank you for joining with us. It was such an honor to have a this discussion with you.